आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो सकुल गए हैं। सकुल गया है? अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम लहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाए ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के दिखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। संगवारी हो, हमर सजीव फनीन मा आप मन के स्वागत है। संगवारी हो, भारत ला आत्मनिर्भर बनाए भर हमर भारत सरकार हा नाना प्रकार के योजना और जागरूकता के कार्यक्रम ला चलावत हवे। फिर संगवारी हो, हमर किसान भाई मन के आय हा कैसन ढंग के दुगना होए, ये विषय में जानना घलो खुद के ही जरूरी हवे। तो संगवारी हो, एकरे पाके हमर भारत सरकार हा जगह जगह में कृषि विज्ञान केंद्र खोले है, ताकि हमर किसान भाई मन ला ओकर से सहयोग मिल सके। और हमर कृषि विज्ञान केंद्र के जिन वैज्ञानिक भाई मन है, वो मन हमर किसान भाई मन के सहयोग तो करबे करते। संगवारी हो, आज हमन हा जानबो कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम ले हमर किसान भाई मन हा कैसन ढंग के आत्मनिर्भर बन सकते, यही है हमर संगवारी आज के विषय। और यही में ढेरकन गोट बात करबो, चर्चा करबो। यदि आप मन है ये विषय में कोनो भी प्रकार के प्रश्न पूछना चाहत हो, तो आप मन हमर टोल फ्री नंबर ल तो जानत हो। हमर टोल फ्री नंबर है 1800233948। संगवारी हो, हमन हा ये प्रश्न काल के सिलसिले ला शुरू करबो। एकर से पहली हमन आप मन ले मिला देथन कि ये चर्चा में गोट बात करे बर आज हमर संग महाभय डॉक्टर अजय वर्मा, निदेशक विस्तार सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है सर। और जिसे कि हमर संगवारी भाई मन के हमन हा प्रश्न काल ला शुरू करबो, ओकर से पहली हमन आप मन ला एक खास चीज़ दिखाना चाहथन, जिन हमर संगवारी भाई मन घलोक देखी। आप मन देखो ये लघु फिल्म ला। कृषि है हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़। उत्पादन होता है अधिक तो किसानों की आजीविका होती है सुदृढ़। कृषि प्रधान देश भारत के विभिन्न हिस्सों में उगाई जाती हैं विविध तरह की फसलें, और साथ ही कृषि से जुड़े अन्य व्यवसाय भी करते हैं किसान, ताकि हो सके उनका जीवन खुशहाल। विभिन्न तरह की मिट्टी, अलग अलग तरह के मौसम, अलग अलग भौगोलिक स्थिति और पानी की उपलब्धता के आधार पर कब कौन सी फसलें लगानी है, कितना खाद, बीज, पानी आवश्यक है और फसल सुरक्षित रहे इसके लिए कौन से उपाय अपनाए जाने चाहिए, इन सब प्रश्नों का जवाब
शायद हर किसान चाहता है। इन सभी प्रश्नों के जवाब के रूप में तेजी से हमारे देश में उभरे हैं कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र को अगर किसानों की हर समस्या के समाधान का केंद्र कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति ना होगी। किसानों के सच्चे मित्र और सच्चे हितैषी के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र पूरे देश में अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों से जुड़े कृषि वैज्ञानिक और कृषि अधिकारी नित नए प्रयोग और परीक्षण करते हैं ताकि किसानों को नई तकनीक सिखा सके, उनकी आजीविका को सुदृढ़ बना सके। किस फसल की खेती कब करनी है, कैसे करनी है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कैसे कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है और कैसे अधिक लाभ कमाकर जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है, इन सारी बातों के साथ किसानों को नई तकनीक का प्रशिक्षण देने और उनके उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने में भी हर संभव मदद करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र। केवल कृषि या कृषि आधारित अन्य व्यवसाय करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देना ही कृषि विज्ञान केंद्र का काम नहीं है। किसानों के लिए, मत्स्य पालकों के लिए, मुर्गी पालन, बतख पालन, मधुमक्खी पालन जैसे व्यवसाय करने को इच्छुक किसान हो या फिर फूलों की खेती, इन सभी को किस तरह से सफलतापूर्वक करना है इसकी समझाइश के साथ ही अगर सरकार की इनसे जुड़ी कोई योजनाएं हैं, तो इन योजनाओं की पूरी जानकारी और उन योजनाओं के आधार पर बीज, खाद, नई तकनीक के लिए कितनी सब्सिडी दी जा रही है, सब्सिडी कैसे प्राप्त की जा सकती है, इन सब के बारे में भी कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को पूरी जानकारी देते हैं और जागरूक बनाते हैं। ये कहा जा सकता है कि सरकार और किसानों के बीच की एक मजबूत कड़ी है कृषि विज्ञान केंद्र। इस तरह से किसानों की जागरूकता, प्रशिक्षण, उत्पादन और बाजार, इन समस्त शब्दों की धुरी है कृषि विज्ञान केंद्र, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन से ही सुनिश्चित होती है किसानों की आय में वृद्धि और किसान होते हैं समृद्ध तो हो जाते हैं आत्मनिर्भर भी। भाई संगवारी को कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। अब आप मन सुग्घर जानकारी भरी ये लघु फिल्म देखे हो संगवारी हो। अब हमन हाँ जैसे कि हमारा आज के विषय है कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम ले हमारे किसान भाई मन कैसे आत्मनिर्भर बन सके और ये विषय में हमारे डॉक्टर साहब गलोक हमारे संग महाबे जगह से हमन हाँ गोट बात करबो। डॉक्टर साहब सबले पहले तो आप मन बताओ कि कैसन ढंग के विज्ञान केंद्र के का उद्देश्य है, का हरे ये विज्ञान केंद्र है और ये ला जगह जगह स्थापित करके का उद्देश्य है। ये जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग जो कार्य करते हैं उसमें एक तो शिक्षण कार्य होता है जी, मतलब स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी लेवल पर हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पढ़ाई कराते हैं। इसके अलावा अनुसंधान के कार्य होते हैं जिसमें कि रिसर्च होता है, जो कि मतलब छत्तीसगढ़ के लिए क्या आवश्यक है उस पर रिसर्च होता है। और तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि जो एक्सटेंशन का वर्क है, मतलब एक तरीके से जो कृषि में विस्तार का जो कार्य होता है वो विस्तार निदेशालय के द्वारा होता है। इस समय पूरे राज्य में 27 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हैं और ये पूरे राज्य में चाहे वो छत्तीसगढ़ का मैदान हो या बस्तर का पठार हो या अंबिकापुर के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। तो ये सारे अपने एग्रोक्लाइमेटिक जोन के हिसाब से वहाँ पर कार्य करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र का जो प्रमुख कार्य होता है वो एक तरीके से ये होता है कि प्रशिक्षण दिया जाता है, वो ट्रेनिंग फार्मर्स वहाँ पर लेते हैं। इसके अलावा हम फील्ड में डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, इसके अलावा कुछ क्लस्टर फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, इसके अलावा कुछ ऑन फार्म ट्रायल्स होते हैं, यानी कि जो भी लैब्स से जो अनुसंधान के से जो चीज़ें निकल कर के बाहर आ रही हैं वो फार्मर्स के फील्ड तक
कैसे पहुँचे और इफेक्टिव रूप से किस तरीके से वो कार्य कर सकते हैं उस पर हम लोग वहाँ पर कार्य करते हैं। इस समय पूरे राज्य में जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उन पर सभी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत सुघर बात ला आप बताया हो। अगर हम बात करें कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जिसे हम राज के विषय है कि आत्मनिर्भर हमारे किसान भाई मन कैसे बने, तो आप बताओ कि कैसे ढंग के ये योजना आत्मनिर्भर बन सकत है। जो खेती है एक तरीके से ये पूरी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संचालित करती है जी। या आप यदि मान लो कृषि में बात करें तो ना केवल खेती में जो धान की फसल है या गेहूं की फसल है या अलसी है या चना है, इसके अलावा भी जो अन्य चीज़ें होती हैं उन पर भी हम यहाँ पर कार्य करते हैं। इसमें जो उद्यानिकी फसलें हैं उन पर भी ध्यान दिया जाता है। उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत जो सब्जी की खेती है, वेजिटेबल्स के अलावा हम फ्रूट्स पर भी काम करते हैं। इसके अलावा इनके वैल्यूएशन पर भी काम हो रहा है और इसके अलावा जो मधुमक्खी पालन है उस पर भी कार्य हो रहा है। पशुपालन पर भी ध्यान दिया जाता है और जो खेती में जो बायो कंट्रोल्स के लिए जो चीज़ें आवश्यक होती हैं उन पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, उन पर उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उनको कैसे मार्केट के लायक बनाया जा सके, वो उस पर ध्यान है। पहले ये होता था कि किसान का कार्य था केवल प्रोडक्शन करना, मतलब उत्पादन करता था, परंतु मार्केट तक पहुंचाने का काम दूसरे लोग करते थे। परंतु अब जो चेंजेस आया वो ये है कि हम एक तरीके से उनके सेकेंडरी और प्राइमरी प्रोसेसिंग हम अपने फील्ड लेवल पर ही कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो उत्पाद है उनका फ़ायदा किसानों को मिल सके और वो मार्केटेबल हो सके। तो उन चीज़ों पर ध्यान देते हुए हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, जिसे कि हम जानना चाहो कि जिसे कोई किसान भाई है वह अगर मछली पालन करना चाहते, डॉक्टर साहब एक टन फोन आवा थे, हम एक टन फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन गांव से बोला था? भगत राम पटेल बोला था मैं, गुटको बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले। जी जी भगत भैया, आप मन अपन प्रश्न पूछो। आपला राम राम डॉक्टर साहब, बिला राम राम जात है। जी बिल्कुल राम राम है। हां हां हां, मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे हमन को मछली पालन करना है तो तालाब की व्यवस्था नहीं है, तो एक खातिर कृषि विज्ञान जैसे वो हमारे कौन तरह से मदद कर सका, देखकर बारे में जानना चाहते हैं। जी बहुत सुगर प्रश्न है आपके। जी डॉक्टर, ये जरूरी नहीं कि हमारे पास तालाब ही होगा तभी हम मछली पालन कर सकते हैं। आजकल काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसके तहत मतलब आपको तालाब नहीं ज़रूरत है। इसके अलावा जो बायोफ्लॉक मछली पालन का तरीका है उसमें बहुत ही कम क्षेत्रफल में हम मछली पालन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक टैंक होता है जिसका जो कि डायमीटर करीब करीब आपका 3 से 4 मीटर होता है और उसमें करीब करीब आप करीब 2 से 2.5 मीटर तक का पानी उसमें इकट्ठा करते हैं और उसको कंट्रोल करके वहाँ पर हाई डेंसिटी में मछली का पालन कर सकते हैं। इसमें ज़रूर इसमें थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है कि तकनीकी रूप से ये थोड़ा सा ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है ताकि आप इफेक्टिव रूप से मछली पालन कर सकें। साथ ही साथ उसमें जो टेम्परेचर है, बाकी सब चीज़ों का जो कंट्रोल है वो आपको करना पड़ेगा। तो आप बहुत कम जगह में मछली पालन कर सकते हैं और जो मछली का उत्पादन भी है वो बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो एक तरीके से जो फ्रेश मछली है वो आप मार्केट में ला सकते हैं जिसका कीमत भी अच्छा मिलता है। साथ ही साथ बहुत ही कम पानी में बहुत ही कम जगह पर आप अच्छा मछली पालन का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये एक बायोफ्लॉक सिस्टम है जिसमें कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ना केवल छत्तीसगढ़ से, इसके अलावा जो सेंट्रल इंडिया है उसमें एक तरीके से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कि हम ना केवल राज्य से, इसके अलावा अन्य राज्यों से भी हमारे पास जो मछली पालक हैं वो ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं और उस पर हम लोग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को एक विशेषज्ञता प्राप्त है। खासकर बायोफ्लॉक में आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसान भाई कम्युनिटी बेसिस पर यदि गांव में मछली पालन करना चाहते हैं तो करीब करीब हमारे आधे से अधिक किसान जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहां पर जो फिशरीज़ के वैज्ञानिक उपलब्ध हैं, कौन सी वैरायटी की मछली उनको लगाना है,
उनको क्या फीड देना है। कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई को ऐसा लगता है कि केवल मछली को छोड़ दें और उसके बाद वो अपने आप से बड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनका क्या फीडिंग होना चाहिए, उनको क्या खाने को देना है, कितने उनको किस तरीके से वो उसमें ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना है, इन सब पर भी हम यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और जैसा कि आपको जानकारी है कि अब जो मछली पालन है उसको एक तरीके से कृषि का दर्जा प्राप्त है, तो बहुत सारी गवर्नमेंट की सुविधाएँ भी हैं। और जहाँ तक यदि मैं बात करूं कि जैसे आप खेती करते हैं धान की खेती में, मान लो मैं बोलता हूं कि 1 रुपये फ़ायदा होता है, तो वही फ़ायदा 3 रुपये का करीब करीब फ़ायदा होता है यदि मान लो आप हॉर्टिकल्चर में जाते हैं, उद्यानिकी फसलों को लेते हैं। और यदि मान लो हम फिशरीज़ पर या अन्य जो लाइव स्टॉक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन पर यदि जाते हैं तो 9 रुपये का फ़ायदा होता है। यानी कि सीधा सीधा यदि मान लो मैं बोलूँ कि 1 रुपये की जगह यदि 9 रुपये कमाना हो तो निश्चित रूप से ये फिशरीज़ का हुआ, गोटरी हुआ, पोल्ट्री हुआ, इस पर किसान भाई जा सकते हैं और अपनी जो आमदनी है ना केवल दुगनी कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बहुत सुगर बादला बताओ, और यही मैं बोल मन में एक प्रश्न आवा था वह कि जिन आप टेक्निक बताओ एकर जिन प्रशिक्षण के का समय हवे, कैसे ढंग के हम प्रशिक्षण ले सकते हैं, ओकर पर काय करे लगे। ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये तो राज्य स्तर पर हम लोग रायपुर में भी आयोजित करते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा। इसके अलावा जो जो राज्य के जो जिले हैं वहाँ पर जैसे कोंडागांव में कोई किसान इस पर प्रशिक्षण लेना चाहता है या बेमेतरा में लेना चाहता है तो वो वहाँ पर राज्य में के जो ज़िले हैं उनमें भी हम इस तरीके के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसके लिए कोई फीस नहीं है कि किसान यदि मान लो सीखना चाहता है तो वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की जो सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड हैं उनसे संपर्क कर सकता है। और यदि मान लो उनको दिक्कत है तो मेरे निदेशक विस्तार सेवाओं को भी वो लिख सकते हैं। हम उस पर किसान भाइयों को यदि मान लो इस तरीके के कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता है तो हम उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर देते हैं। और वो एक तरीके से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है, मतलब करके सीखने का मौका मिलता है तो उसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। कृषि विज्ञान केंद्रों की सफलता का सबसे बड़ा राज ये है कि यहाँ पर आप एक तरीके से करके देखते हैं, मतलब कोई भी कार्य यदि आप करके देखेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कॉन्फिडेंस आता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यदि किसी को प्रशिक्षण लेना है तो वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं या जिले में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, करीब करीब पूरे राज्य में हमारे 27 कृषि विज्ञान केंद्रों में इस तरीके का कार्य चल रहा है, उनसे वो संपर्क कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब जिसे हम बात करते हैं मुर्गी पालन के, वो हमारा नाम सुनते हैं कड़कनाथ। अब ये कड़कनाथ है घलोक हमारे जिन किसान भाई है ओकर आयला दुगना कर सके थे, ये मैं आप मन हा का मार्गदर्शन देना चाहूँ। यदि मान लो मैं ये बोलूँ कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने कड़कनाथ जो मुर्गी पालन है उसको जन जन तक पहुँचाया है। यदि आप ये बात करें यदि 6-7 साल पहले तक कड़कनाथ जो मुर्गी पालन है या मुर्गे जो अवेलेबल होते थे वो बहुत ही लिमिटेड होते थे, परंतु आज यदि मान लो आप किसी भी मान लो यदि यहाँ से रायपुर से आप यदि बस्तर की तरफ जा रहे हैं तो आप हर थोड़े थोड़े दूरी पर आप देखेंगे कि कड़कनाथ मुर्गा मिलता है या इस तरह की चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से ये जो हम जो लैब में जो काम कर रहे थे वो उसका अर्जेंटा एक्सपांसन फार्मर्स फील्ड तक पहुंचा है, यानी कि जन जन तक ये कड़कनाथ का जो उत्पादन है वो लोग कर रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि एक तो ये एक स्पेशल वैरायटी है कड़कनाथ जो मुर्गे हैं वो एक स्पेशल वैरायटी होते हैं, इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है, इसके अलावा जो इसका जो जो मांस है वो काफ़ी महंगा भी है और काफ़ी पैसे किसानों को मिलते हैं। इसमें यदि मान लो किसान भाई यदि मान लो 200 मुर्गे या कम भी यदि करना चाहें 50 मुर्गे के साथ यदि पालन चालू करते हैं तो निश्चित रूप से एक साल में काफ़ी पैसा वो अर्न कर सकते हैं। करीब करीब हमने ये देखा कि यदि मान लो एक साइकिल यदि यूज़ करते हैं, मतलब 50 मुर्गे के साथ उन्होंने चालू किया और 6 महीने में यदि वो मार्केटेबल हो जाता है तो करीब करीब वो 50,000 से 60,000 रुपये केवल एक उस मुर्गे पालन से भी वो कमा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, और एक संगे से हम बात करते हैं कि बटेर पालन के, तो ये माँ हमारे किसान भाई मन हाँ कैसन ढंग के योजना के लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ में बटेर पालन की जहाँ तक बात है, बटेर के लिए सिमगा का जो एरिया है वो काफ़ी, जो छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास सिमगा का जो एरिया है उसमें काफ़ी बटेर
का एरिया होता था। अब एक जापानीज बटेर पालन का जो सिस्टम है वो हमने यहाँ पर डेवलप किया है। महासमुंद कृषि विज्ञान केंद्र, महासमुंद कृषि विज्ञान केंद्र दुर्ग पांदा कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर, और मेरे ख्याल से करीब करीब सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में, ज़्यादातर कृषि विज्ञान केंद्रों में ये जो क्वेल फार्मिंग है, बटेर का फार्मिंग का कार्य चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बटेर फार्मिंग के लिए एक तो लागत बहुत कम लगता है, जो उसके जो बर्ड्स मिलते हैं वो 10 रुपये में मिल जाते हैं, और एक तरीके से यदि आप 50 बर्ड्स के साथ यदि काम चालू करते हैं तो ये करीब करीब 35 से 40 दिन में तैयार हो जाते हैं, मतलब जो मार्केट में बेचने लायक कंडीशन में आते हैं उस तरीके से ये तैयार हो जाता है। और एक बैच में ऑन एन एवरेज ये जो कॉस्ट आती है वो करीब करीब हमारे को उस मार्केट लेवल तक तैयार करने के लिए 30 रुपये का खर्चा आता है, और मार्केट में आप 40 से 45 रुपये में बेचते हैं। यदि मान लो मैं बोलूँ 10 रुपये भी फ़ायदा होता है तो ऑन एन एवरेज आप काफ़ी पैसा मतलब केवल 35 से 40 दिन में कमा सकते हैं। यदि मान लो 45 दिन तक का भी हो गया, उसके आगे यदि मान लो आपको ज़रूरत है तो थोड़ा सा उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो जो बटेर हैं समय पर बिक जाएँ। और जहाँ तक मार्केट की बात है, चाहे वो बटेर हो, चाहे मछली हो, चाहे आपका कड़कनाथ हो, बहुत आसानी से ये मार्केट इसका अवेलेबल है। और निश्चित रूप से ये किसानों के आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये सारे जो आप अभी जो चर्चा में ला रहे हैं, निश्चित रूप से किसानों को आगे बढ़ाने में, उनकी आत्मनिर्भर बनाने में काफ़ी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और ऐसे ही प्रश्न हब है कि मिलेट्स के हम नाम अभी बहुत सुना था, और ये मिलेट्स हमारे किसान भाई मन पर कैसन ढंग के ओकर आय ला दुगुना करे में सहायक है, और एक बार का योजना भारत सरकार के हब? सबसे पहली बात तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत मिलेट्स पर काफ़ी काम हो रहा है जी। सबसे पहली बात, अपने यहाँ मिलेट्स कोई नई क्रॉप नहीं है, कोदो कुटकी रागी हमेशा से छत्तीसगढ़ में होता रहा है, परंतु लास्ट ईयर जो था 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर था, इसलिए काफ़ी फोकस रहा है। जहाँ तक उत्पादन की बात है, ये एक तरीके से किसान भाई उसका इस तरीके से उपयोग करते थे कि जब ऐसा लगता था कि अकाल आने वाला है या पानी की कमी हो रही है, तो वो केवल एक बार खेत की जुताई करके बीज को छिड़क करके आ जाते थे और सीधे हार्वेस्टिंग के लिए जाते थे, कटाई के लिए जाते थे। तो परंतु अब क्या हो गया कि यदि मान लो उसी को यदि प्रॉपर तरीके से हम बोएं, केवल यदि मान लो हम कतार में बो दें या प्लांट पॉपुलेशन जो है पर यूनिट एरिया में यदि उसको मेंटेन कर लें और थोड़ा सा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कर लें, मतलब जो उसको खाद की आवश्यकता है वो दे दें, तो उत्पादन में सीधे सीधे 2.5 से 3 गुना की वृद्धि देखी गई है, मतलब 2 गुना तो हो ही जाता है। तो एक तरीके से मिलेट्स पर हम लोगों ने यहाँ पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बहुत सारी वेराइटीज़ को भी डेवलप किया गया है, और ख़ासकर माइनर मिलेट्स में कोदो कुटकी रागी के मामले में हम पूरे देश में अग्रणी हैं। तो न केवल एक तरीके से इनका प्रोडक्शन कर रहे हैं, दूसरी बात ये एक तरीके से न्यूट्री रिच प्रोडक्ट है, मतलब जिसमें कि मतलब न्यूट्रिशन अवेलेबल है। इसके अलावा खासकर ऐसे पर्टिकुलर लोग जो कि डायबिटिक हैं उनके लिए भी अच्छा है, और ख़ासकर अब एक तरीके से ये जो उत्पाद हैं इनकी कीमत जो अन्य उत्पाद हैं जैसे चावल है उससे महंगा है, तो एक तरीके से जिस पर किसी का ध्यान नहीं था उन पर अब ध्यान आने लगा है। दूसरी बात इसके प्रोसेसिंग की बात है, जैसे इसके प्रोसेसिंग करने का मतलब है कि इसकी मिलिंग करना, मिलिंग होना चाहिए या इसके प्रोडक्ट होने चाहिए, तो इसके बहुत सारे उत्पाद इस समय अवेलेबल हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर द्वारा इसके प्रोसेस पर काम किया गया, इसकी मिलिंग पर काम किया गया, आज वहाँ पर एक इंडस्ट्री भी तैयार हो गई है जो कि 180 क्विंटल पर डे उसका उत्पादन कर रही है। इसके अलावा जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं उसकी भी क्षमता है करीब करीब 20 क्विंटल प्रतिदिन उसका उत्पादन कर रही है। तो न केवल प्रोडक्ट बन रहा है, ना केवल प्रोसेस हो रहा है, साथ ही साथ इसके आप देखे होंगे कि मार्केट में इसके बिस्किट्स आ रहे हैं, कुकीज़ आ रहे हैं, नूडल्स आ रहे हैं, बाकी सब चीज़ें आ रही हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए एक तरीके से मिलेट का काफ़ी अच्छा मार्केट है, और साथ ही साथ किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के की दिशा में एक अच्छा कार्य हो रहा है। अच्छा कार्य होगा डॉक्टर साहब, बहुत सुघर बात ला आप बताए एक बार, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसे कि संगवारी हो, आप मन देखियो सुनियो कि आप मन कैसन ढंग के हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के सहायता से आत्मनिर्भर बन सकते हो। संगवारी हो, अगले अंक में फिर आबो, तब तक बर जय जोहार।